और गाइस मैं देखो मैं 200 पे हूँ अभी और वो गाड़ी मेरे को कितने पे क्रॉस करेगी ये देखो भाई कितने पे 230 240 पे क्रॉस करके गई है भाई वो गाड़ी और 213 पे तो हम थे अभी 213 पे गाइस वेरी नाइस भाई वेरी नाइस मजा आ गया शिट मैन। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो गाइस आज है संडे और मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई मेरे साथ अगर कोई हाइपर ड्राइव पे मेरा सब्सक्राइबर चलना चाहता है जो NCR में रहता है, मतलब NCR में होना चाहिए भाई, ज़्यादा दूर ना हो, तो उसे मैं पिक करूँगा, साथ में हाइपर ड्राइव पे ले जाऊँगा और ब्रेकफास्ट भाई मेरे साथ करेंगे और उसके बाद भाई को मैं ड्रॉप कर दूंगा। सो गाइज आज अपने को पिक करना है अपने एक ऐसे ही सब्सक्राइबर को लक्ष्मी नगर से, जिन्होंने कल मेरे को भाई DM करके इंस्टाग्राम पे बता दिया था कि वो मिलेंगे मेरे साथ चलेंगे। सो अभी उन्हीं को पिक करने के लिए निकल गया हूँ। ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम है सुबह का, मेरे को 5:30 बजे भाई के पास जाना था लेकिन मैं थोड़ा सा हो गया लेट और उनको लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से पिक करूँगा मैं। और देखिए गाइस बड़ी मेहनत से और दिल से मैं ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके लिए लाता हूँ, होप आप इसे पसंद करेंगे गाइस। और आपका भी कोई अगर आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और गाइस ऐसा हर संडे रहेगा, देखिए गाइस मैं अकेले जाता हूँ सो इट्स बेटर मैं किसी ना किसी को साथ लेकर जाऊँ। सो मुझे लगा कि यार मेरे सब्सक्राइबर जो भाई कहते हैं कि एक बार उनको एक्सपीरियंस करनी है ड्राइव, तो गाइस मैं जितनी कोशिश है उतनी करूँगा अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी। सो भाई हमने अपने सब्सक्राइबर को अपने साथ बैठा लिया है, आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं और आपको भी मिलवाता हूँ भाई से। सो कैसे हैं भाई? भाई ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अहद है। ओके और आपने भाई मतलब लोग ये ना समझे कि अपना कोई मतलब फेक है? नहीं भैया। सो बताइए कुछ इस बारे में। भैया ने बिल्कुल मैसेज करा था और प्यार से बुलाया एकदम और अभी मैं भैया पे मिला, भैया से मिला हूँ। सो आप भाई मतलब करना चाहते थे अपनी कार का एक्सपीरियंस? जी भाई बहुत मुझे खुशी हो रही है भैया के साथ आके। चलो भाई भाई को आज अपना ड्राइव पर साथ लेके जा रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कराते हैं, ब्रेकफास्ट साथ करते हैं और फिर भाई को ड्रॉप कर देंगे जैसा हमने प्लान किया है। तो गाइस हाईवे पे हम चढ़ गए हैं और आज हाईएस्ट स्पीड अचीव करना मेरा मोटिव नहीं है, और सिर्फ आए हैं फन के लिए, एक अच्छी ड्राइव करने के लिए और अपने जो फर्स्ट हमारा टोल आता है वहाँ से यूटर्न लेंगे, उससे पहले एक हाईवे मसाला नाम का आपका स्टे आता है तो उस स्टे पे रुकेंगे, वहाँ थोड़ा खाई पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। बाकी भाई वन साइड जब हो जाएगा अपना, मतलब वन साइड जब हम पहुँच जाएंगे यूटर्न मारने से पहले मैं भाई से एक्सपीरियंस लूँगा कि भाई कैसा लगा और कैसा रहा हाइपर ड्राइव अपनी 800 में। कार अभी मैंने इको मोड पे रखी है और लास्ट टाइम की तरह, और एसी भी ऑन है और कहीं कहीं जगहों पर स्पीड कैमरा है, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन स्पीड कैमरा या रडार्स जो लगे हुए हैं स्पीड वाले उनसे मैं उतनी स्पीड में निकालूँ जो यहाँ पर लिमिट है 100 की, उसके बाद बेशक से थोड़ा सा चली जाए। सो आज जितना यूजुअली ट्रैफिक होता है उससे कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, मेरे को वजह नहीं पता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7:45 हुए हैं सुबह के और दिन में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, यहाँ पर सुबह इतना ट्रैफिक मिल रहा है आज, और आज काफ़ी राइडर्स भी हमको मिलने वाले हैं जहाँ पर हम अपना स्टॉप लेंगे, मतलब बढ़िया बाइक्स वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि संडे के दिन आपको पता ही है जितने भी अपने दिल्ली में बाइकर्स या मतलब ट्यून्स कार वगैरह वाले हैं ये
ये सारे जितने भी क्लब वगैरह भी है काफ़ी, सो ये सारे के सारे संडे ही ड्राइव या अपना राइडिंग प्लान करते हैं। और अपन भी निकल गए हैं, कोई और साथ नहीं तो अपने सब्सक्राइबर भाई अपने साथ हैं। सो मेरे कुछ भाई मेरे को काफ़ी मतलब मेरे शुभ चिंतक भाई मैसेज वगैरह करते रहते हैं, मतलब कमेंट करते रहते हैं कि चलती कार का आपका टायर फट गया तो क्या होगा, कोई आगे आ गया तो क्या होगा। सो भाइयों मतलब हर कार की पोटेंशियल होती है, हर कार का एक मतलब मैक्स कितना जा सकती है कितना नहीं, और जो टायर्स भी हैं इसके वो टायर्स भी उसी हिसाब से डले हुए हैं। सो ये टायर्स हैं आपके W, मतलब एंड में इनके पीछे W लिखा आता है, 94W, मतलब 270 की स्पीड मैक्सिमम ये टायर्स टेस्ट हुए हैं। तो आप खुद बताइए ये 200 की स्पीड में फट कैसे सकते हैं जो टायर टेस्ट हुए हैं 270 की स्पीड के लिए। इससे पहले जो मेरे पास डेनलप थे वो थे वाई, वो 300 की स्पीड पर टेस्ट हुआ, मतलब मैक्स वो 300 की स्पीड पर जा सकते थे। तो गाइस मतलब इसको जो चीज़ नहीं पता है उस बारे में आप कमेंट ना करिए। तो भाई हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमको यूटर्न लेना है। और भाई कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा भैया? बहुत प्यारी ड्राइव करते हैं, बहुत मज़ा आया भैया के साथ। भैया की तारीफ मत करो, सच्चाई बताओ। बिल्कुल सच्चाई, भैया बहुत प्यारी ड्राइव करते हैं, मज़ा आ गया। एक तो ये बहुत अच्छी है, ऊपर से भैया इतनी प्यारी ड्राइव करते। देखो भाई, भाई की एज है 16, सो अभी भाई के पास लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है। सो जिन पे लाइसेंस नहीं है भाई उनको मैं मतलब टेस्ट ड्राइव भी कैसे कराऊं? अगर भाई होते 18 के लाइसेंस होता तो मैं भाई को 100% कार ड्राइव के लिए भी देता। और गाइस जैसे कि आपको पता है अब कुछ खाना है भाई हो चुका है। सो गाइस अभी यहाँ पर कुछ है, मतलब अपने वॉशरूम वगैरह यूज़ करके और फिर निकलते हैं अपने वापस दिल्ली के लिए। तो निकल गए हैं अभी अपने हाईवे मसाला से। और काश कोई बीच में भाई आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, सो सीट बेल्ट लगाइए। विदाउट सीट बेल्ट सेफ्टी का भी डर रहता है और आपके एयरबैग भी नहीं खुलेंगे। सो भाइयों ये देखिए मैं एक राइड के बीच में घुस गया हूँ, अपने बाइकर्स भाई हैं और सारी की सारी बेहतरीन बाइकें हैं, सारी की सारी सुपर बाइक और बढ़िया 150 पे 200 पे सारे राइड कर रहे हैं। तो मैं उनके बीच में घुस गया, मैंने कहा चलो इनके साथ राइड की जाए। तो अभी आप देख ही रहे हो 150 पे मैं हूँ तो आगे भी 150 पे ही चल रहे हैं। मज़ा
चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जाते हुए हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिला जितना मैंने आपको बताया था, नहीं यूजुअली होता नहीं है, लेकिन आते हुए यूजुअली जितना होता है उतना भी ट्रैफिक नहीं है, काफ़ी रोड खाली मिल गया। और कुछ बाइक वाले अपने भाई मिल गए थे, वो भी आपने देख लिया भाई, उनके साथ भी सही इंजॉय किया हमने। बस ये जो आगे जा रही है ना, ये 330 आई ना, वो काम खराब कर देगी, वरना 330 आई है भाई। ओ भाई 340 आई, भाई अभी मूड में नहीं है, वरना अभी खा जाए। भगा रहे भाई, 340 आई के साथ हो गई है अपनी। आगे भाई 340 आई आ रही है पीछे से। और गाइस मैं देखो, मैं 200 पे हूँ अभी, और वो गाड़ी मेरे को कितने पे क्रॉस करेगी, ये देखो भाई कितने पे, 230-240 पे क्रॉस करके गई है भाई वो गाड़ी। और 213 पे तो हम थे अभी, 213 पे गाइस, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, मजा आ गया। मैं देखता हूँ अगर ये भाई रुकने की शायद रुक जाए तो बात बात कर ले, तो रुक कर देखते हैं। देखिए भाई YouTube पे। ओह थैंक यू ब्रदर, आपको ले ही लेता हूँ वीडियो में। मतलब आप करीब करीब 230-240 पे गए होगे ना साइड से, 260 पे यार। तो भाई ये तो गजब हो गया है, मतलब इतनी स्पीड पर आज तक मेरे को किसी गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया है। 208 या 10 पे हम थे गाइस, और गजब। मतलब आज तो माहौल ही बन गया भाई। तो भाई इन्हें कहते हैं राइट। भाई जो आज के अपने सब्सक्राइबर अपने साथ हैं, वो भाई कह रहे हैं मजा आ गया। तो मतलब भाई कैसा रहा भाई, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। एक ओवरटेक बड़ा प्यारा लगा, BMW है, BMW गई ना साइड से। भाई मैंने पहले देखा, मैंने कहा 30 रहा हो, फिर मैंने देखा मैंने कहा ये तो 340 है। सुबह सुबह आने का ये फायदा होता है, आपको एक से एक, और मतलब यार इतनी कार्स आपको मिलती हैं भाई। चिड़िया आकर मर गई मेरी गाड़ी पे आके लगकर, आई एम रियली सॉरी, सुबह सुबह ये गलत हो गया, और वो बहुत स्पीड में आई और टकरा गई मेरे शीशे से। तो लक्ष्मी नगर अपने पहुंचने वाले हैं, और आज कितने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस रहे हैं ये अपने सब्सक्राइबर भाई से पूछते हैं। सो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो अभी आते हुए जो BMW 340i से अपना इंटरेक्ट हुआ, और मतलब आप कभी भाई ये बताइए, पहले आपने कभी 200 की स्पीड पे आज से पहले कभी गए हैं? मैं कभी 200 की स्पीड पे नहीं गया, लास्ट 160 गया हूँ, सुपर कभी नहीं गया। और अभी भैया ने 212 की स्पीड पे था भैया, और एक BMW थी, BMW 340i, वो आई एकदम से ओवरटेक करके, 260 की स्पीड थी उसकी, उसने 260 पे कर दिया था ओवरटेक। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई, नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल ड्राइव में ऐसे आपको फन मिलता है? नहीं, बहुत मजा आया। आप भी आइए भैया के साथ, और आने के लिए ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए भैया को। और मेरे भाई एक बात बताइए, बिल्कुल सेफ ड्राइव करिए, कहीं पर कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई आपको डर लग गया हो और गलत चल रही थी गाड़ी? नहीं, भैया ने बहुत सेफ ड्राइव करी है, मुझे बहुत मजा आया, बस क्या बोलूं, मैं बता नहीं सकता इतना मजा आया। सो कोई नहीं गाइज, आप सबके लिए भी मतलब मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट संडे देखते हैं अपने कौन से भाई आएंगे। और अभी आ गए अपना मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर भाई को यहाँ पर ड्रॉप करना है,
और भाई को अच्छे से भाई भाई करते हैं। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर आने के लिए, और मतलब आपने मेरा मन बढ़ाया, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया आपके लिए। आज का अपनी जो हाइपर ड्राइव है वो एकदम एक्सट्रीम रही, बहुत ही मज़ा आया। जो अपने नए सब्सक्राइबर थे, आज फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि जब दो कार्स 200 की स्पीड पे रेस करती हैं और मतलब हाइपर ड्राइव करती हैं तो क्या होता है। मतलब एक सीन तो ऐसा था भाई, मेरी कार 213 214 भाग रही है और 260 पे 340 आई साइड से निकली है BMW। तो गाइज मतलब मैं एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ, लेकिन उन भाई के लिए बिल्कुल नया था, और भाई ने बहुत ही मतलब उनको अच्छा मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गाइज आप सबको भी अगर ये एक्सपीरियंस चाहिए सो गाइज नेक्स्ट संडे अगेन हाइपर ड्राइव पर मैं आपको पिक करूंगा, मैं आपको ड्रॉप करूंगा, और गाइज ब्रेकफास्ट आप करेंगे मेरे साथ, और गाइज लीजिए अपनी A200 का पूरा पूरा एक्सपीरियंस। सो गाइज आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और गाइज प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते भाइयों। सो प्लीज बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मुश्किल से कंटेंट निकालता हूँ आप सबके लिए। सो थैंक यू गाइज, एंड कल फिर मिलते हैं गाइज एक नई ट्रैक के साथ, एक नए कार के रिव्यू के साथ, और एक नए डेली ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।